कर्नाटक चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश के महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं और लोगों में नफरत फैलाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दलितों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और हमलों पर कुछ नहीं कहते। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक्सप्रेसवे तैयार है तो उद्घाटन के लिए पीएम मोदी का इंतजार क्यों किया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस महीने के आखिरी तक उद्घाटन नहीं होता है तो 1 जून से इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यूपी में इलाहाबाद में मनमोहन पार्क के पास एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वकील राजेश कुमार श्रीवास्तव अपनी बाइक से कोर्ट जा रहे थे, तभी रास्ते में बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। इस घटना से गुस्साए वकीलों ने जमकर हंगामा किया और बस को भी आग लगा दी। बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस ने चुपके चुपके शादी कर फैंस को सरप्राइज दे दिया। नेहा धूपिया ने बॉलीवुड एक्टर अंगद बेदी के साथ गुरुद्वारे में 7 फेरे लेते हुए सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की। नेहा धूपिया ने अपनी शादी की फोटो शेयर करते हुए कहा कि आज मैंने सबसे अच्छे दोस्त से शादी कर ली।